अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों ड्रामा सिर्फ मेरे पास तुम हो कि अगली किस्म में आप नजरें देखेंगे कि मैं भी शेवार साहब को इस्लामाबाद जाने के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन वो ये सोच रही है कि अब दानिश को किस तरह अपने लेट आने की वजह बताए। वो रात के वक्त दानिश को एतमाद में लेते हुए कहती है कि कल मुझे पुराने सेक्रेटरी से चार्ज लेना है, इसीलिए ऑफिस में देर हो सकती है, 10-11 भी बज सकते हैं। इस पर दानिश कहता है कि जहाँ 9 वहाँ 10 और जहाँ 10 वहाँ 11। दानिश उसे कहता है कि मेविश मैं तुमसे डर गया हूँ, या यूँ कहो कि तुमने मुझे डरा दिया है। तो मेविश को लगता है कि जैसे दानिश सब जानता है। अगली सुबह जब मेविश सबसे खूबसूरत लिबास पहनकर अच्छे से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने से पहले शेवार साहब को फोन करके कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं दानिश से बहुत खौफजदा हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरा झूठ पकड़ लेगा। मेरे पास एक हल है इस सारी बात का, अगर हम दोनों एयरपोर्ट अलग अलग जाए, मुझे पता है कि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। वो एयरपोर्ट जाते हुए भी मेविश को फोन करके कहता है कि अब तो डर नहीं लग रहा ना, तुमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जिस पर मेविश मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे पता है, लेकिन ये नहीं जानती कि दानिश को भी सब कुछ पता है। वो गाड़ी का पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक आया, अपनी ऑफिस के कुली के सामने पेपर्स दिखाई दिया तो वो उसे कहते हैं कि मर की जिंदगी में झूठ बोलने की टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है, ये वो वक्त होता है जब कोई दूसरी औरत उसे वक्त देने लगे। तो दोस्तों आप लोगों के ख्याल में मेविश दानिश के साथ जो कुछ कर रही है सही कर रही है या नहीं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स।